चलो सामने देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने पीक इनवर्स वोल्टेज बताया था। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कंप्लीट साइकिल में जो वोल्टेज, तो कंप्लीट साइकिल में जो वोल्टेज है, ठीक है, तो पहली हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन रिवर्स वोल्टेज, पहली हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइज है, दूसरी हाफ साइकिल में फॉरवर्ड वाइज है, तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज हुआ वो पी। फिर हमने बताया रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट की वैल्यू अलोंग द आउटपुट आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी सी। अब ये बता दें आई डी सी आई आर एम एस डैश के ये रिजल्टेंट ये बनता है आई आर एम एस, तो इससे ही फार्मूला निकाला गया, तो वो निकलेगा आर बराबर, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करने के यही आएगा आर बराबर आई आर एम एस डैश अपॉन आई डी सी अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर। आई आर एम एस की वैल्यू याद कर लो आई नॉट बाई टू, आई डी सी की वैल्यू आई नॉट बाई पाई, रख दिया आर बराबर अंडर रूट आई आर एम एस डैश आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर बाई फोर, इसकी वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर बाई पाई, तो पाई स्क्वायर बाई फोर माइनस वन, तो ये आ गया 1.21, ठीक है। ये अब एक और पॉइंट था इसीलिए हम बता रहे थे आपको, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर बाय विच स्पेसिफाइड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस आउटपुट। वोल्टेज रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर बाय विच स्पेसिफाइड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस द आउटपुट। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर बाई विच स्पेसिफाइड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस द आउटपुट। वोल्टेज रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर, एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर बाई विच स्पेसिफाइड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस द वोल्टेज रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर by which specified voltage is maintained across the output. Specified voltage maintain करके output के across. तो voltage regulation को ability है जिससे specified voltage is maintained across the output. कल हमने क्योंकि शाम को बहुत धूप थी और तबीयत भी प्रॉब्लम आ गई, तो हमने आपको kinetic theory की एक क्लास डाली थी, फिर उसके बाद बॉयल्स ला चार्ल्स ला ये पिछली रिकॉर्डेड क्लास है ना, और जूल थॉमसन पर डालना एक बार अगर नहीं पढ़ा है तो
आई डी सी बराबर आई नॉट अपॉन पाई, आई डी सी बराबर आई नॉट अपॉन पाई, ये आपको याद भी रखना है। आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर एल प्लस आर, ये वैल्यू रख दिया ई नॉट अपॉन पाई आर एल प्लस, इधर मल्टीप्लाई करो आई डी सी आर एल प्लस आर, वो क्या कर लेते उसे कहेंगे रिलेशन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। This is the relation. For specifying. Specified output. This is the relation for specifying. अब आइए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को फुल वेव डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एसी कन्वर्टेड टू फुल वेव, एसी को कन्वर्ट करता है फुल वेव, ठीक है। दो प्रकार के है फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर आपके दो प्रकार के हैं, एक है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, एक है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है, एक ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, दो है। एसी को फुल वेव डीसी में कन्वर्ट करता है फुल वेव रेक्टिफायर। दो प्रकार के हैं, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है और एक ब्रिज टाइप फुल वेव। जरा देखिए भाई सेंटर टेप सिस्टम का, तो देखिए जरा Thank you.
प्राइमरी कॉइल है, एसी लगाया, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। एक डायोड D1 है, एक डायोड D2, ये लोड टाइम, AB, PN जंक्शन डायोड ये है, ये इनपुट लोड, ये आउटपुट करंट, तो पहली आप साइड जब वोल्टेज लगा ई बराबर ई नॉट साइन टू, ये वाला पहली आप साइड, ए आ गया पॉजिटिव पर, बी आ गया ए आ गया पॉजिटिव पर, बी आ गया निगेटिव, इससे पी को मिला पॉजिटिव एंड निगेटिव पर है, तो ये हो गया फॉरवर्ड। इसके पी को मिला नेगेटिव, ये भी नेगेटिव पर, ये हो गया रिवर्स बायस। तो पहली आप साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और D1 और D2 रिवर्स बायस। तो पहली आप साइकिल में D2 रिवर्स, ठीक है भाई, पी को मिले पॉजिटिव, एन को मिले निगेटिव फॉरवर्ड बायस। अगर मान लो पी को मिल जाए ज्यादा निगेटिव, एन को मिल जाए निगेटिव, तो भी वो रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स बायस की करंट नहीं मिलती, ठीक है। और अगर मिल भी रही है तो उतना लोड खा जा रहा है, कोई मतलब नहीं। कई बार जैसे तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, ठीक है, पर उसका इतना पावर नहीं है कि कोई डिवाइस जल रहा, तो क्या मतलब, तो आप कहें क्या पावर नहीं आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पर, तो पहली आप साइकिल में ए आया पॉजिटिव पर, बी आया नेगेटिव पर, ये फिक्स निगेटिव, इसे निगेटिव पर ही सेट करें, हाँ दोनों यहाँ पर स्पेशली अरेंज नहीं होगा, तो ये वाला पॉजिटिव, ये हो गया डायोड D1 फॉरवर्ड, ये वाला डायोड, ये वाला ज्यादा निगेटिव, ये स्मॉल निगेटिव, रिवर्स बायस कहलाएगा, रिवर्स बायस।
फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड इवन फॉर द प्राइस, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल, इन फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। सेकेंड हाफ साइकिल क्या बताए, बन गया बच्चों ये पहले बना लो, देखिए सेकेंड हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल उल्टी है, सेकेंड हाफ साइकिल उल्टी, ए आ गया नेगेटिव पर, बी आ गया पॉजिटिव, ए आ गया नेगेटिव पर, बी आ गया पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब बी को मिला नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, तो डायोड D1 रिवर्स बायस, यहां पर इसको मिला पॉजिटिव, ये नेगेटिव पर है, ये फॉरवर्ड बायस। तो इन सेकेंड हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल डायोड D2 इज फॉरवर्ड, D2 इज फॉरवर्ड बायस। इस रेक्टिफायर से हमको दोनों हाफ साइकिल में करंट मिलेगा, ठीक है। वी ऑब्टेन करंट इन बोथ हाफ साइकिल, वी ऑब्टेन करंट इन बोथ हाफ साइकिल, हमें करंट मिल रही है दोनों हाफ साइकिल, उसे हम क्या कहते हैं, फुल वेव, ठीक है। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज फुल वेव, उसे हम क्या कहते हैं, फुल वेव। इस करंट को हम कहते हैं फुल वेव। फुल वेव डीसी, इस करंट को हम क्या कहते हैं, फुल वेव डीसी, ठीक है। अब देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट करंट IDC बराबर 2I0 अपॉन, क्या कह रहा है, 2I0 अपॉन,
उसमें मिल जाता है आई नॉट अपॉन फाइव, यहां पर क्या मिलेगा टू आई नॉट, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करेंट, वैल्यू ऑफ करेंट आई नॉट पीक ई नॉट अपॉन आर एम प्लस E not upon RL plus R. E not upon RL plus R. Output voltage इधर रफ करते हैं, समझ गए? Output voltage ADC बराबर IDC बराबर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ADC बराबर IDC IDC आर बराबर आई डी सी आर, तो ई डी सी आई डी सी का मान टू आई नॉट अपॉन टू आई नॉट ई डी सी बराबर टू आई नॉट अपॉन पाई। अब आइए एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर पी डी सी बराबर पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो पी डी सी बराबर आई डी सी स्क्वायर, वो सिर्फ लोड पर वर्क करता है। आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा लोड पर, तो आई डी सी स्क्वायर, आई डी सी स्क्वायर आई डी सी स्क्वायर ऑफ इनपुट पावर,
एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट आई ए सी बाई ई बराबर आई आर, ई बराबर आई आर होता है, एसी बराबर आई ए सी। ये दोनों पे वर्क करेगा, लोड पर भी और फॉरवर्ड बाई पीएन ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड पे वर्क करेगा तो उसका रेजिस्टेंस। अब देखिए आई ए सी की जगह आई आर एम एस, एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर। इनपुट पावर पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो पी ए सी बराबर आई ए सी आर एल प्लस आर एल प्लस। तो ये वैल्यू हो गई आई नॉट स्क्वायर वैल्यू आर एल प्लस। I not square by 2 RL plus the average value of input power, average value of input power। अब क्या बताया था, efficiency of rectification इनका efficiency of rectification, efficiency of rectification, rectification eta bar pdc upon pdc, pdc upon pdc, pdc upon वैल्यू क्या आएगी, वहां पे आ गई 40.2, यहां पर आएगी 81.2। वहां पे जितनी आ रही थी ठीक है उसकी जस्ट डबल, देखो हाफ वेव में देखो 40.6 है तो यहां पे ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो कोई फायदा नहीं है उसको प्रूफ करने का ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन तो भाई पढ़ ही रहे हो सब, ये सब ये याद नहीं हो पाएगा अगर तुम लोग जम के मेहनत नहीं करोगे, बहुत टफ है याद करना। 81.2 पर ठीक है, अब आइए पीक इनवर्स वोल्टेज, इनवर्स पी आई जी पीक इनवर्स वोल्टेज, पहली आप साइकिल में डायोड डी टू रिवर्स बायस तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज डी वन, दूसरी आप साइकिल में डी वन रिवर्स बायस उसके अक्रॉस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डी नॉट डी नॉट। तो पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इन वन कंप्लीट साइकिल, तो पहली आप साइकिल में
डायोड D2 के अक्रॉस रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस बी, ये मैक्सिमम तो ये पहली हाफ साइकिल में था, ये दूसरी हाफ साइकिल में, ठीक है। तो पिछले वाले में हाफ वेव में तुम्हें सिर्फ E नॉट था, ठीक है, फुल वेव में क्या हो गया रिपेल फैक्टर R बराबर आई आर एम एस डैश, अभी हमने तुम्हारा ही बताया था रिपल फैक्टर, ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, रिपल फैक्टर R बराबर आई आर एम एस डैश। इसको सॉल्व किया गया तो क्या आएगा, अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालोगे तो उसमें क्या आई थी 1.21, इसमें क्या आई थी पॉइंट हाँ अभी चर्चा 0.48 थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट तो अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, इसमें दिक्कत है, इसमें सबसे आप मेहनत करिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहे ये चल अभी हम ऑनलाइन क्लास देते हैं उससे सब लोग, ठीक है, ऑनलाइन निकाल कर कौन सी बताओ, ये वाली जो एवरेज वैल्यू है ही इनपुट पावर, तो इनपुट पावर की एवरेज वैल्यू जनरल फॉर्मूला V बराबर आई आर, तो E बराबर आई आर, आपने एसी इनपुट किया तो ई ए सी, आई ए सी आर एम प्लस आर एफ, आई ए सी एवरेज वैल्यू है इनपुट करंट और वो किसके बराबर है आई आर, ठीक है। आई आर एम एस का मान आई नॉट अपॉन रूट टू, हाँ बताओ कौन सी बात पूछ रहे, ये एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, सॉरी ये वोल्टेज है वो पावर, वो गलत लग गए हैं उस पर भी पीछे भी देख लेना। अब देखिए रिपल फैक्टर तो हमने इतने ही बड़े बड़े कर दिया, अब देखिए अब आइए लास्ट वोल्टेज रेगुलेशन। देखो पहला पॉइंट एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट का एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंगे आईडीसी, फुल वेव में अभी हम कंपैरिजन लिख दे रहे हैं, फुल वेव में आई टू आई नॉट अपॉन पाई, हाफ वेव में आई नॉट अपॉन पाई, ऐसे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ईडीसी की वैल्यू
IDCRM, ठीक है, वो तो दोनों में वैल्यू रख दोगे तो उसमें I नॉट अपॉन पाई है, उसमें टू आई नॉट अपॉन पाई है, आउटपुट लोड पर ही मिलता है, फिर उसी से पावर। तो ये अभी पॉइंट कंपैरिजन में मेरे को ऐसे तुम कंसीडर करो। लास्ट पॉइंट पहले पढ़े, वोल्टेज रेगुलेशन वो एबिलिटी है रेक्टिफायर की जिससे वोल्टेज रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ रेक्टिफायर by which specified voltage is maintained across a voltage regulation is the ability of rectifier by which specified voltage is maintained across voltage regulation is the ability of rectifier by which स्पेसिफाइड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस, जिसके द्वारा स्पेसिफाइड वोल्टेज मेंटेन होता है अक्रॉस। तो वही बताया था आई नॉट की वैल्यू, सॉरी ईडीसी की वैल्यू टू आई नॉट अपॉन पाई, डबल हो गया ना। आई नॉट की वैल्यू क्या है याद करी कि नहीं अभी, E नॉट अपॉन आर एन प्लस E नॉट अपॉन आर एन प्लस आर एफ, आर एन लोड रेजिस्टेंस, आर एफ फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कह दिया। तो आई डी सी टू अपॉन पाई E नॉट आर एन प्लस आर एफ, आई डी सी RL plus IDCRL two E not upon pi. IDCRL EDC आउटपुट वोल्टेज IDCRL आउटपुट वोल्टेज। तो ये डीसी की वैल्यू है ईडीसी आईडीसीआर टू ई नॉट अपॉन ईडीसी टू ई नॉट अपॉन आईडीसी, ये आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द आउटपुट। This is the output voltage. ठीक है, एक फार्मूला और है, वोल्टेज रेगुलेशन से आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट
वोल्टेज रेगुलेशन से आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट रेनियंस कौन सा हमेशा नियत रहे। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए एक फॉर्मूला और है, रेगुलेशन का एक फॉर्मूला और है, ई नॉट माइनस ई एल, ई नॉट माइनस ई एल अपॉन ई नॉट E नॉट माइनस ई एल अपॉन ई नॉट इन टू हंड्रेड, ये भी वोल्टेज रेगुलेशन। E नॉट आउटपुट वोल्टेज विदाउट इनपुट, E नॉट आउटपुट वोल्टेज विदाउट इनपुट, आउटपुट वोल्टेज विदाउट इनपुट, EL आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड, EL ये EL नीचे है, आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड, आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड, आउटपुट वोल्टेज एट फुल लोड, पेपर तो सही है भाई, कैसे पेपर तुम्हारे बदल अब से पेपर ऐसे पेपर सही आया फिर एग्जाम अभी तो बहुत टाइम वो और अदर्स के मिलेंगे भी, ये तुम अपना आराम से अभी ऐसा होता है ना जैसे आपका पेपर 7 तारीख से या 5 तारीख जब भी है, कब है फिजिक्स का पेपर तो 7 को है, वो तो वो याद बाकी जो भी आगे भी तो तुम जाओ 30 के आसपास में तो तुम्हें भीड़ नहीं मिलेगी, अभी लोग जाके हर बच्चा लेने जाएगा तो भीड़ नहीं रहेगी। देखिए पहले ब्रिज बता दें फिर ब्रिज टाइप फुल ब्रिज है, इसमें 4 डायोड है, ब्रिज टाइप फुल ब्रिज है, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। जहां ब्रिज टाइप है वहां सेंटर थे अब प्राइमरी क्वाइल इनपुट दिया एसी वोल्टेज लगा दिया,
पहली हाफ साइकिल जीरो से फाइव के बीच आपको ये टर्मिनल ए आया पॉजिटिव पर दिया है, यहां से पी ये मिल गया पॉजिटिव, इधर पी को पॉजिटिव डायोड और इसको ठीक है, इसको आपका इसको यहाँ से मिला नेगेटिव तो इसके थ्रू नेगेटिव आया, तो डायोड D4 फॉरवर्ड आया, यहाँ पॉजिटिव मिला ये बेकार हो गया, यहाँ से पॉजिटिव इस पर आ गया। तो पहली हाफ साइकिल में D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस, दूसरी हाफ साइकिल D1 और D2, फिर D2 और D1, फिर D1 और D2। पहली हाफ साइकिल में दो डायोड कोई भी लिख दो, थ्योरी में तो कोई भी चलेगा, तो पहली हाफ साइकिल में D2 D4 फॉरवर्ड बाइस हो सकते हो, दूसरी आप साइकिल में D1 भी उल्टा भी लिख सकते, कोई बनाने में आपने उल्टा कर दिया तो उल्टा ठीक है, नाम उधर से शुरू कर दिया तो। तो दो डायोड के द्वारा पहली हाफ साइकिल में करेंट, दूसरी हाफ साइकिल में दूसरे दो डायोड के द्वारा ठीक है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल में इन फर्स्ट हाफ साइकिल D1 और D3 है, D2 D4 फॉरवर्ड, D2 D4 फॉरवर्ड, इन सेकेंड हाफ साइकिल D1 और D1 फॉरवर्ड, तो पहली हाफ साइकिल में D1 D2 D4 दूसरी हाफ साइकिल, जरा ये
बता दे कैसे होगा, जरा से एक बार बन पहले लिख लो फिर इधर बना। मैथ का क्लास कितनी हुई है? उस दिन हमने सर को फोन कर दिया था तो तुम लोगों सर ने डांटा नहीं होगा क्यों? सर भी लेटा है, हमने कर दिया था पहले हम डांटे कोई लेट होगा। और चक्कर पहले क्या होता था कि उनका सेकेंड ईयर का बैच होता था तो वो पढ़ा रहे उसमें तो आप गए एकदम से नहीं मिलेंगे, अब वो बैच तो होता नहीं छुट्टी है तो आने के बाद वैसे भी वो बहुत ज़्यादा टाइम को लेंगे। अभी पिछले अभी मतलब लास्ट गर्मी हो गई तो एक कोचिंग थी अरविंद राजपूत मैथ पढ़ाते थे बैच हो गए कोविड में तो उनके यहाँ के चलाकर पीछे पढ़ा लिया एक कोचिंग यहाँ पढ़ा दीजिए कल्याण को तो बंसल सर ने कहा कि नहीं चलो ठीक है वहाँ गए। अब हमने अभी शुरुआत कर रहे थे हमने तीन से चार तुम्हारा आई भी तीन से चार हम पढ़ा रहे थे और इनका बैच जो है चार से पाँच तो हम तीन से चार पढ़ा रहे तो हम तीन बजे बच्चा भी तो 10-15 मिनट लेट हो जाता दोपहर में तो हम 3:15 से शुरू कर पाए 4 बजे ये 4 बजे में 10 मिनट पहले ही आ जाए और 5 मिनट एक्स्ट्रा ना पढ़ा मंजिल सर के साथ एडजस्टमेंट बहुत टिपिकल है। वही हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं मोती झील में स्वीट सर के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाते 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाते वो वेट कर लेते हैं। उधर डी मिश्रा सर भी पढ़ाते हैं वो भी वेट कर लेते हैं हम लोग उनका वेट कर लेते हैं। ये इससे क्या होता है बच्चे का नुकसान नहीं होता हम लोग को तो ओवरऑल वे में बच्चे का देखना है। इसलिए हाँ वो बंद इसलिए हो गई ना बंसल सर एक्साइटिंग मोड में रहते एक्साइटिंग मोड में अब गए अब कोई नई जगह गए तो बच्चे कम रहेंगे शुरुआत में 7-8 थे इनके में 3-4 और ज़्यादा थे तो आप पढ़ाओगे तो बच्चे बच्चा तभी रुकेगा ना जब बच्चे को मालूम होगा कि यहाँ पे सर पढ़ाएंगे। अब वो बंसल सर ने कहते हैं संख्या तुम लोगों की अगर 50 नहीं होगी तो हम छोड़ देंगे बच्चे में अनसर्टेनिटी आ गई तो बच्चा उस तरीके ना फीस उन्हें जमा कर रहा था तो वैसे चल जाती कोचिंग वहाँ से ही चल। हाँ उनकी मैथ वाले सर इसीलिए तो पढ़ा नहीं पाए ये थोड़ा सा रुक जाते तो बच्चे हो जाते बहुत अच्छे देखिए यहाँ पर देखिए पहली आप साइकिल में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल मिला यहां से नेगेटिव पोटेंशियल मिला नेगेटिव तो जो डायोड वर्क नहीं करेगा रिवर्स बायस होगा तो उससे पोटेंशियल आगे चला जाएगा तो यहां पर ये वाले के पी टाइप को नेगेटिव मिला इसके ये वाला पॉजिटिव तो डायोड D4 फॉरवर्ड बायस इस एन को पॉजिटिव मिला ये बेकार हो गया इससे पॉजिटिव इस पर आ गया और ये नेगेटिव तो D2 और D4 फॉरवर्ड बायस तो जिसके उल्टा मिल जाएगा क्योंकि हमको रिवर्स बायस का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा हमें उसे स्पेशली अरेंज नहीं करना है कि हमें ब्रेक डाउन करके करंट प्राप्त करनी है ऐसा तो है नहीं तो वर्क ना करे मतलब रिवर्स वर्क करे फॉरवर्ड। अब दूसरी आप साइकिल में देखिए ए आ गया नेगेटिव पर बी आ गया पॉजिटिव यहां से हमने नेगेटिव से
यहां से पॉजिटिव से, ठीक है, ये निगेटिव पोटेंशियल पी को मिला, यहां से निगेटिव इस बार आ गया, ये पॉजिटिव, तो डायोड डी3 फॉरवर्ड बायस, यहां पे एन को निगेटिव मिला, ठीक है, यहां से पॉजिटिव इसके थ्रू इस बार आ गया, डायोड डी1 फॉरवर्ड बायस, तो डी1 और डी3 फॉरवर्ड बायस पहली आप साइकिल पे, और D2, D4 पहली आप साइकिल में, D1, D3 दूसरी। तो आपको ध्यान रखना, कोई इसकी बताना तो है नहीं, कोई फिगर बना के थ्योरी तो लिखनी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है पहली आप साइकिल में दो डायोड फॉरवर्ड, दूसरी आप साइकिल में फिर दूसरे डायोड, तो पहली आप साइकिल में चाहे D1, D3 कर लो और दूसरी आप साइकिल में D2, D4, या पहली हाफ साइकिल में D2 D4 कर लो, ठीक है, वो रहेगा सामने वाला, तो इसके सामने वाला D2 D4, इसके सामने वाला D1, इस तरह। तो आप देखिए ठीक है, ये देखिए, अब देखिए करंट, करंट ऑब्टेन इन बोथ हाफ साइड, करंट ऑब्टेन इन बोथ हाफ साइड विच इज नोन एज पुल वेव बेस, करंट ऑब्टेन इन बोथ हाफ साइकिल विच इज नोन एज फुल वेव बेस, इसे हम क्या कहते हैं, फुल वेव बेस, करंट मिल रही है दोनों हाफ साइकिल में, जैसे हम जानते हैं फुल वेव बेस, करंट ऑब्टेन इन बोथ हाफ साइकिल विच इज नोन एज फुल वेव बेस, जैसे हम जानते हैं फुल वेव बेस, करंट की वैल्यू देखिए एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट का, एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट का, आईडीसी का मान क्या हुआ, वही जो 2I0 upon pi वही मिले, बस इसमें फर्क इतना है, मैथमेटिकल वे में सब कुछ ठीक है, फर्क इतना है दो डायोड होने की वजह से, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है, पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 की वैल्यू E0 RL प्लस टू E0, भाई E0 तो ठीक है भाई, ये वोल्टेज जो है ये यहां पे आप शुरुआत करें तो E बराबर E0 साइन ओमेगा, तो ये है आपका, तो E0 वही रहेगा और पीएन जंक्शन डायोड दो होंगे, लोड एक है, पीएन जंक्शन डायोड दो, तो 2 RF और सेंटर टेप में सिंगल RF, सेंटर टेप में एक ही डायोड है ना, हर बार एक बार D1 फिर एक बार D2 फिर D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2, इसमें D1 D3 दो डायोड फिर D2 D4 दो डायोड, तो ये RF 2 RF बस इतना आता है। अब देखिए बच्चों,
एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर वो तो लोड पर ही मिलेगी। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर आउटपुट वोल्टेज हो, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ईडीसी बराबर आईडीसी आर, ईडीसी बराबर आईडीसी आर, तो ये आईडीसी का मान 2I0 upon pi. बता
तो आई आर एम एस किसके बराबर आई इज आई नॉट अपॉन वन। फुल वेव में और ब्रिज में कोई अंतर नहीं है, बस पी करंट का अंतर है, ई नॉट अपॉन आर एम प्लस टू, बस इसके अलावा। अब देखिए इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ईएसी आईएसी आरएल प्लस कुमार भाई दोनों पे वर्क करेगा, आरएल प्लस कुमार। एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर एवरेज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर पी एसी बराबर आई एसी स्क्वायर आर एल प्लस टू आर। तो पी ए सी बराबर आई ए सी स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई आर एल प्लस टू आर एल प्लस टू आर एल प्लस टू। ये हो गया पी ई सी, बस आर एफ की जगह टू आर एफ। अब देखिए इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, अब सिंपल लिख रहे हैं इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या है 81.2, 81.2 40.6 का जस्ट डबल 81.2। रिपेल फैक्टर आर बराबर आई आर एम एस डैश अंडर रूट आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई बी सी स्क्वायर। वैल्यू क्या है 0.48 याद रखिए। और वोल्टेज रेगुलेशन से फिक्स वोल्टेज मेंटेन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन स्पेसिफाइड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस आउटपुट, फिक्स वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस आउटपुट। सर्टेन और फिक्स्ड वोल्टेज इज मेंटेन अक्रॉस आउटपुट। ठीक है, क्या बताए थे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला ई नॉट माइनस ई एल अपॉन ई एल इनटू, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर के दो है, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की दो।
ठीक है, बच्चों रफ करें। कंपैरिजन इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे तुम्हें ये पॉइंट तो कम से कम याद हो जाए, बाकी तो तुम निकाल लो। इधर लिख दे रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, इधर लिख दे रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। पॉइंट्स में याद कर लो, आईडीसी एवरेज आई नॉट अपॉन, यहां पर आईडीसी की वैल्यू टू आई नॉट अपॉन पाई, एबीसी की वैल्यू आईडीसी आर एम, यहां भी एबीसी की वैल्यू आईडीसी आर एम। ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज आईएसी इनपुट में किसके बराबर, आई आर एम एस आई नॉट बाई टू। नाम तो पीछे लिख ही चुके, बार बार नाम लिखवाओ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर आई ए सी की वैल्यू आई आर एम एस के बराबर आई नॉट अपॉन, ठीक है। ई ए सी आई ए सी आर एम आर एल प्लस आर, ठीक है। यहां पर ई ए सी की वैल्यू आई ए सी आर एल प्लस आर एफ, सेंटर टेक में सेंटर टेक, और ब्रिज वाले में ई ए सी आर एम प्लस टू आर, ये ब्रिज का है, ब्रिज टाइप फोर। पीडीसी की वैल्यू आईडीसी स्क्वायर आर, पीएसी की वैल्यू आईएसी स्क्वायर आर एम प्लस आर, ठीक है। यहां पे देखिए पीडीसी आईडीसी स्क्वायर आर, पीएसी आईएसी स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ, या पी ए सी बराबर आई ए सी आर एल प्लस टू आर। इसकी इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन 40.6%, इसका इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन जस्ट डबल 81.2%। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज ई नॉट, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज टू, इसका रिपल फैक्टर
1.21, इसका रिपल फैक्टर 0.4, ये रिपल फैक्टर का ये 3 पॉइंट, ये और IRMS वाला IDC, ये 5 पॉइंट IDC, EDC, IAC, efficiency, ये 5 पॉइंट में ऑब्जेक्टिव इन्हीं पर आए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और बताएं कि बस कर दिया, ब्रिज आपका पूरा हो गया। ठीक है, बस कर जाइए।